Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Social Scientist YouTube channel में हम आपको खुशामदीद कहते हैं. मैं हूँ आशिक कुमेरी. आज की इस वीडियो में हम ओपन यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑटम सेमेस्टर 2019 में B.Ed 1.5 और 2.5 को जो थीम सब थीम ऑफर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हमने रिसर्च टॉपिक कैसे बनाना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. वीडियो में आगे चलने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम यूट्यूब की दुनिया में कायम और दायम रह सकें और स्टूडेंट्स की हेल्प भी करें. आए हम बगैर वक्त ज़ाया किए हम थीम सब थीम को हम डिस्कस करते हैं. तो बाकी तमाम चीज़ें मैं आपको लैपटॉप पे डिस्कस करूँगा. आए हम लैपटॉप की तरफ चलते हैं. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने B.Ed 1.5 और 2.5 के करंट सेमेस्टर यानि जो अभी चल रहा है ऑटम 2019 उस सेमेस्टर के लिए जो थीम और सब थीम दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे पास मौजूद है. आप डेट देख सकते हैं कि ये 15/1/2020 को ये थीम और सब थीम तमाम रीजन ऑफिसेस को मेल किए गए हैं और फिर रीजन ऑफिसेस अपने सुपरवाइज़र्स को दे देंगे और सुपरवाइज़र फिर जो वर्कशॉप अभी चल रही है उस वर्कशॉप में ये जो थीम है और सब थीम है ये स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे और इन्हीं से ही रिसर्च टॉपिक बनाएंगे. तो आइए इसको डिटेलली हम डिस्कस करते हैं. तो ये आप देख सकते हैं थीम ऑफ द सेमेस्टर फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट 86/13. तो इसका जो थीम है इस सेमेस्टर का वो है डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना. पिछला सो जो सेमेस्टर का हमारा थीम था वो था डेवलपिंग बेसिक स्किल्स जिसमें फिर सब थीम हमारे रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग एनालिटिकल मैथमेटिकल स्किल्स शामिल थे. तो इसमें इस सेमेस्टर के लिए सॉफ्ट स्किल्स के डेवलपमेंट बेसिक थीम रखा गया है. अभी अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे थे अभी तक कि हमें कम्युनिकेट नहीं हुआ है और हमारे सुपरवाइजर्स कह रहे हैं कि वहीं पुराने रीडिंग राइटिंग वाले स्किल्स हैं. तो आप अपने सुपरवाइजर से कहें कि वो रीजन ऑफिस से कांटेक्ट करें ताकि ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए. मैं आज ख़ुद यूनिवर्सिटी जाके टीचर से डिस्कस करके मैं ये जो इस सेमेस्टर के थीम थे उसको मैं लेके आया हूँ और आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो यहाँ जो यूनिवर्सिटी ने जो हमें थीम्स दिए हैं सब थीम दिए हैं इसको डिस्कस करने से पहले ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में क्या फ़र्क है वो थोड़ा सा देखते हैं फिर उसके बाद हम इसके ऊपर फर्दर हम डिस्कशन करेंगे. सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में थोड़ा सा मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन ना रहे अभी सेमेस्टर के स्टार्ट में ही ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए. तो आप नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं मज़ीद फर्दर डिटेल में इसको देख सकते हैं. एक होती हैं हार्ड स्किल्स. हार्ड स्किल्स आर द टीचेबल एबिलिटीज एंड देट आर इजिली मेयरेबल यानी वो तमाम स्किल्स जो टीचेबल हैं जो ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसे हम आमतौर पर कहते हैं वो सारी हार्ड स्किल्स कहलाती हैं जैसे या टेक्निकल एबिलिटीज़ डेट फिट द जॉब कोई हम जॉब करते हैं तो उसके लिए जो टेक्निकल एबिलिटीज़ हम हासिल करते हैं उन्हें हार्ड स्किल्स कहते हैं. एक तरह से देखेंगे तो पहले जो सेमेस्टर में हमारा डेवलपिंग बेसिक स्किल्स था वो हार्ड स्किल ही तकरीबन हम कह सकते हैं कि वो था. इसकी मिसालों में देख लें कि राइटिंग कोडिंग टाइपिंग स्पीड प्रोफिशेंसी फाइनेंशियल मॉडलिंग ये वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो हार्ड स्किल्स में आते हैं. तो हार्ड स्किल्स को हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो इस सेमेस्टर का थीम है वो सॉफ्ट स्किल्स है. तो आइए ज़रा सॉफ्ट स्किल्स को समझते हैं. सॉफ्ट स्किल्स अब सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं. पर्सनल एट्रीब्यूट्स डेट इनेबल समवन टू इंटरेक्ट
effectively and harmoniously with other people. ये वो abilities हैं, वो attributes हैं जो एक person, एक शख्स जो है वो पैदाइशी तौर पर लेकर आता है. ये खैर अभी तो ये पुराना concept था, अभी कहते हैं कि ये भी changeable हैं. तो वो उसकी शख्सी जो खसूसियात हैं उनको सॉफ़्ट स्किल्स कहा जाता है. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ ट्रेनर्स अपने प्रोफाइल में लगाते हैं सॉफ़्ट स्किल ट्रेनर, तो वो बेसिकली इन स्किल्स की बात कर रहे होते हैं. तो ये हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए जितनी भी स्किल्स की हमें ज़रूरत पेश आती है उन सबको हम सॉफ़्ट स्किल्स कहेंगे. सॉफ़्ट स्किल्स आर द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी सॉफ़्ट स्किल्स पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं. अगर किसी के पास सॉफ़्ट स्किल्स हैं तो वो एक अच्छी पर्सनैलिटी, और जितनी भी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं डेफिनेटली उनके अंदर सॉफ़्ट स्किल्स मौजूद होंगी, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आती हैं. तो इसकी कुछ मिसालें देखते हैं कि सॉफ़्ट स्किल्स में क्या क्या हैं. तो लीडरशिप एक सॉफ्ट स्किल है. पहले कहा जाता है कि लीडर जो है वो बाय बर्थ लीडर होता है, लीडर पैदा होता है, लीडर को बनाया नहीं जाता. खैर इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो बाद में फिर थ्योरीज अभी चेंज होती हुई आई हैं कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हम पैदा कर सकते हैं लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर. तो लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, गुड एटीट्यूड है, ऑनेस्टी है, टीम वर्क है, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं. अब इनमें से हम ये देखेंगे कि इस सेमेस्टर में अलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने बीएड के स्टूडेंट्स के लिए कितने सॉफ्ट स्किल्स रखे हैं, जिसे हम सब थीम कहेंगे, कितने एरियाज पे स्टूडेंट्स अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं. तो ये सॉफ्ट स्किल्स रखने का जो मकसद है वो बच्चों के अंदर इन एरियाज पे जो कमी पेशी है उसको दूर किया जाए. तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो सेमेस्टर है उसमें ये स्किल्स ऑफर की गई है. ये तो थी हमने जो डिक्शनरी या मुख्तलिफ लिटरेचर से जो सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की डिफिनेशन निकाली थी और इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. अब आते हैं ज़रा ओपन यूनिवर्सिटी ने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, ओपन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जो स्टूडेंट्स को बात कन्वे करने की कोशिश की है या समझाया है वो क्या चीज़ है. तो ये आ जाएं जी, यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में लिखा है कि सॉफ्ट स्किल्स रिलेट मोर टू इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आर नेचुरल एबिलिटीज दैट हेल्प अस इंटरेक्ट वेल विथ अदर्स. यानी सॉफ्ट स्किल जो है इमोशनल इंटेलिजेंस हैं और नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि पहले मैं बता रहा था कि एक बंदे की पर्सनैलिटी में शामिल होती हैं, बाय बर्थ वो कुछ एबिलिटीज़ लेके आता है, वो उन एबिलिटीज़, उन इमोशनल और जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उनको एक दूसरे के साथ इंट्रेक्शन में किस तरह हेल्पफुल होती है वो सॉफ्ट स्किल्स कहलाएंगी. थ्रू सॉफ्ट स्किल्स आर कंसिडर नेचुरल एबिलिटीज़ येट दे नीड टू बी डिवेलप इन द क्लास रूम. जैसे मैंने पहले बताया कि पहले कहा जाता था कि बंदा एबिलिटीज़ खुद लेके आ जाता है, तो आजकल ये थ्योरी चेंज हो गई है कि बंदे के अंदर एबिलिटीज़ को हम डिवेलप कर सकते हैं. तो इसी चीज़ को मद्दनज़र रखते हुए बीएड स्टूडेंट्स के लिए ओपन यूनिवर्सिटी ने ये सॉफ्ट स्किल्स का जो थीम था ये ऑफ़र किया है, ताकि वो स्टूडेंट्स जिन जिन स्कूलों में काम कर रहे हैं तो उन स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के अंदर ये क्लासरूम के अंदर बच्चों में ये स्किल्स डेवलप कर सकें. ऑल दीज स्किल्स आर बेनिफिशियल फॉर प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द स्टूडेंट इन फ्यूचर एंड स्कूल एंड क्लासरूम टीचर कैन हेल्प देम डेवलपिंग दीज स्किल्स. डेफिनेटली ये स्किल्स जो हैं वो एक अच्छे इंडिविजुअल बनने के लिए, एक अच्छी शख्सियत बनने के लिए बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ें डेवलप्ड होनी चाहिए, तो इसी चीज़ को मद्दनज़र रख के ऑफ़र की गई हैं. और यूनिवर्सिटी मज़ीद एम करती हैं कि वी विश डेट आवर कमिंग जनरेशन ऑफ टीचर कैन हेल्प देयर स्टूडेंट्स डिवेलपिंग एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी. तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अपने बीएड के स्टूडेंट्स के साथ, बीएड के टीचर्स के साथ से ये तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो आने वाले दौर में अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर सकेंगे, जो कि एक मुकम्मल शख्सियत की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ऑल दीज सब थीम्स कैन बी इंक्लूडेड इन करिकुला
एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये तमाम जो सब थीम्स हैं वो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल की जा सकती हैं या शामिल हैं। आप इनमें देखते हैं कि ये तो मेन जो हमारा थीम था वो था डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स है। अब सॉफ्ट स्किल्स बहुत सारी हैं, उनमें से कितनी इस यहाँ पर लिस्ट की गई हैं कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। तो सब थीम्स तकरीबन 10 के करीब सब थीम्स यहाँ दी गई हैं। उनमें से जो पहले 5 है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहला है इसमें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इस कम्युनिकेशन एक सब थीम है, इस सब थीम के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स दिए गए हैं, मुख्तलिफ एरियाज दिए गए हैं। आप इस पूरे कम्युनिकेशन को भी लेके कर सकते हैं और आप इसके अंदर से जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जो छोटे छोटे एरियाज हैं, उनको भी लेके आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन में आगे दिया है क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फीडबैक और फ्रेंडलीनेस। तो ये बहुत सारे ऑप्शन सब स्टूडेंट्स को मिल गए हैं कि इनमें से किसी भी एरिया को लेकर स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। फर्दर मैं आगे चल के इनमें से फिर टॉपिक किस तरह बनाना है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं एक दफ़ा आप सबको जो थीम्स हैं वो बता दूं सारे थीम्स। सेकंड जो थीम है वो टीम वर्क है। टीम वर्क के अंदर दिए गए हैं जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डेलीगेशन, लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, आइडिया एक्सचेंज, मीडिएशन और नेगोशिएशन। ये इसके अंदर फर्दर मजीद टर्म्स हैं जिसे की टर्म आप कह सकते हैं, वेरिएबल्स कह सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं, इनमें से आप एक वेरिएबल लेके भी काम कर सकते हैं, दो वेरिएबल लेके भी आप काम कर सकते हैं। तो इसमें जो कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है, ये सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लगते हैं लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इसको अंडरस्टैंड करके आपने इन टॉपिक को चूज़ करते वक्त इसको अंडरस्टैंड करके फिर चूज़ करना है। तीसरा जो थीम है हमारा वो है सब थीम जो है वो एडप्टेबिलिटी है। एडप्टेबिलिटी, एडप्टेबिलिटी को उर्दू मुवाफिकत कहते हैं। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर की गई हैं, टर्म्स हैं जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो क्यूरियोसिटी है, सेल्फ मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, कॉमनेस है, ऑप्टिमिज्म है, ओपन माइंडनेस है, एनालिसिस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्फ मोटिवेशन है। नेक्स्ट जो थीम है, सब थीम है, वो है चौथा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एनालिसिस है, लिटरल थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, इनिशिएटिव है, प्रिजिस्टेंस है, ऑब्जर्वेशन है, परसुएशन है, नेगोशिएशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डिसीजन मेकिंग है। ये इसके वेरिएबल्स की टर्म्स आ गए। फिर पांचवा जो थीम है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इंस्पायरेशन है, इमेजिनेशन है, रिफॉर्मिंग है, माइंड मैपिंग, इनसाइट, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटिंग, क्वेश्चनिंग एंड डिज़ाइन। छठा जो है वो है वर्क इथिक्स। वर्क इथिक्स, इसके अंदर कुछ हमारे पास टर्म्स मौजूद हैं। इस जो टर्म्स, इस वर्क इथिक जो सब थीम है, इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी हो जाएगी। इंटीग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, इनिशिएटिव है, डिपेंडेबिलिटी है, कमिटमेंट है, सेल्फ मोटिवेटेड है, प्रोफेशनलिज्म है, टीम वर्क है, टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा, इनमें से अक्सर आपको टर्म्स पहले वाले उनमें भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इनमें भी नज़र आ रहे होंगे, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आप सब थीम को ये डिक्लेयर करके फिर उसके बाद इसके ऊपर काम कर सकते हैं।
सातवां जो सब थीम है वो हमारे पास है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स बाहमी जो महारतें हैं हमारी, उनमें एम्पथी है, ह्यूमर है, मेंटोरिंग है, नेटवर्किंग है, सेंसिटिविटी है, पेशन है, टॉलरेंस है, पब्लिक स्पीकिंग है, पॉजिटिव रिएनफोर्समेंट है और डिप्लोमेसी है। ये की टर्म्स हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, इनमें से कोई भी लेके हम कर सकते हैं। आठवां जो सब थीम हमें इस सेमेस्टर में ऑफर हुआ है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंदर गोल सेटिंग है, प्रायोरिटाइजिंग है, सेल्फ स्टार्टर है, प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, फोकस है, डिलीगेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉपिंग। नौवां जो हमारे पास सब थीम है वो लीडरशिप है। लीडरशिप के अंदर है एम्पैथी, सेल्फलेसनेस, एजिलिटी, लिसनिंग, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिनिलिटी, कल्चरल इंटेलिजेंस, ऑथेंटिसिटी, वर्सटैलिटी, जेनरोसिटी और ट्रस्ट। ये लीडरशिप के अंदर, या हम इसको लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी कह सकते हैं, लीडरशिप की की टर्म्स हैं, इनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। लास्ट जो 10वें नंबर पे हमारा सब थीम हमें ऑफर हुआ है वो है अटेंशन थ्रू डिटेल। इसमें क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, लिसनिंग है, शेड्यूलिंग है, एनालिसिस है, इंट्रोस्पेक्शन है, मेमोरी है, एक्यूटी है, रिकॉल है और क्वेश्चनिंग है। थीम तो हमारा एक ही है, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स। इन्हीं में से, उसमें से फिर सब थीम में से कोई भी एक सब थीम को लेके उसका टॉपिक बना के हमने अपने रिसर्च को कंटिन्यू करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं मजीद कि हम इससे टॉपिक कैसे बनाएं। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो न्यू रिसर्च मैनुअल आया है इसको पहले आप अच्छी तरह समझेंगे, फिर उसके बाद आपको ये थीम सब थीम समझ आ जाएंगे, फिर उसमें से टॉपिक कैसे बनाना है ये भी समझ आ जाएगी। तो इस हवाले से मेरे पहले वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। तो क्लास 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू ये न्यू रिसर्च मैनुअल है, उसमें आपने जाके उसको अच्छी तरह सुनना है। उसको सुनने से आपको ये होगा कि एक तो रिसर्च मैनुअल का पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, किस तरह करना है, और दूसरा ये जो रिसर्च मैनुअल है वो एक्शन रिसर्च बेस्ड है, तो एक्शन रिसर्च क्या है इसको भी आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब आते हैं इसके बाद आगे टॉपिक की तरफ। हमने ये जो थीम्स थे ये सारे हमने डिस्कस कर लिए कि हमें डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स थीम के अंदर सब थीम तकरीबन कोई 10 के करीब सब थीम दिए गए हैं, और इन 10 जो सब थीम हैं उनके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं। हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उनमें से किसी एक या दो वेरिएबल को लेकर हम अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप आ जाए, मैं कुछ एग्जांपल्स, सारी चीज़ें तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, ना ही आप सबको टॉपिक बना के यहाँ पर दे सकता हूँ, क्योंकि टॉपिक आप अपने सुपरवाइज़र के साथ बैठकर उनके साथ डिस्कस करके आप टॉपिक बनाएंगे, और वो एक्चुअली जो इशू आप को क्लासरूम में फेस कर रहा है या क्लासरूम में आप जिस इशू को फेस कर रहे हैं उसी इशू को लेकर आपने आगे बढ़ना है, उसी हिसाब से आपने सब थीम को सिलेक्ट करना है। तो अब कुछ रिसर्च टॉपिक की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बनाई हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि इसका रिसर्च टॉपिक बनाना किस तरह है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने टॉपिक्स बनाए ये 100% सही हो, ये वेरी करता है रिसर्चर टू रिसर्चर, सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र। यानी एक्शन रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप क्लासरूम के कोई भी इश्यू को लेके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है कि आप प्रॉपर, जैसे रिसर्च थीसिस में हम टॉपिक को एक प्रॉपर जो 4 कंपोनेंट्स है उसमें डाल के एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी तरह भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन उससे आपका मकसद पता चल जाए कि आप किस इशू के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये पहली एग्जांपल आपके सामने है। इसमें थीम तो हमारी इस सेमेस्टर में पूरे पाकिस्तान में तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स एमोंग द स्टूडेंट्स। आप लिखना चाहें तो भी, ना लिखना चाहें तो मसला नहीं, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स आप थीम होगा आपका।
और सब थीम मैंने लिया है, पहला जो सब थीम था हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में से मैंने दो टॉपिक्स आपके सामने यहाँ पर बनाए। पहला टॉपिक जो है वो है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन ऑफ क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, फिर आगे आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सब थीम था कम्युनिकेशन, तो इसके अंदर मजीद वेरिएबल्स को मैंने स्पेसिफिक नहीं किया है, जर्नल रखा है कम्युनिकेशन स्किल्स को, तो ये रखेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा जर्नलाइज हो जाएगा और आपको रिसर्च में थोड़ी सी दिक्कत पेश आ जाएगी, क्योंकि आपने इसके अंदर देखा कि बहुत सारे और सब कंपोनेंट्स हैं, तो उनमें से किस में वर्क करना है इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। तो बेहतर है आप इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करके ना इसको काम करें। तो इसके लिए मैंने सेकंड टॉपिक बनाए हैं, ये इस पे भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे डेवलपिंग कॉन्फिडेंस अमोंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। ये मैंने यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सब थीम था उसके अंदर से एक वेरिएबल लिया है, एक टर्म को लिया है और इसके ऊपर वर्क करना चाह रहा हूँ, यानी स्टूडेंट्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस का इशू है, स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना मेरा मकसद है, तो उसका टॉपिक कुछ इस तरह बन सकता है। तो इसमें डेवलपिंग कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, क्योंकि एक्शन रिसर्च जो है वो क्लास के अंदर परफॉर्म करनी है, तो क्लास को मेंशन करना ज़रूरी है कि क्लास फिफ्थ है, सिक्स है, एट है, जिस भी लेवल में आप कर रहे हैं तो उस क्लास को मेंशन करें, फिर आगे स्कूल आप मेंशन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, क्योंकि रिसर्च मैनुअल के अंदर स्कूल के लिए जगह खाली है, वहाँ पर आप अलग से जगह लिख सकते हैं। अच्छा, इन टॉपिक्स के बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा जो अप्रूवल फॉर्म है वो भी वर्कशॉप के तीसरे रोज़ फिल करना ज़रूरी होता है, और अपने सुपरवाइज़र जो टॉपिक अप्रूवल करना ज़रूरी होता है वो भी कैसे फिल करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट हम एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं, ये लिया है सब थीम टीम वर्क से, टॉपिक मैंने बनाया इसमें इन्हांसिंग द एबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एमोंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट एट स्कूल एबीसी जो भी हैं। तो इसमें मैंने टीम वर्क के अंदर से दो वेरिएबल्स लिए हैं, दो टर्म्स लिए हैं, एक है कोऑपरेशन और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। तो आप इस तरह दो को भी लेके आप काम अपना जो एक्शन रिसर्च है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना हमारा मकसद है, वो बेहतर बनाना हमारा मकसद है, तो टॉपिक इस तरह भी बन सकता है। ये हो गई दूसरी एग्जांपल आपके सामने। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तीसरी एग्जांपल मैंने ली है सब थीम एडेप्टेबिलिटी से, एडेप्टेबिलिटी से लिया है जी, ओवरकमिंग द इशू ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट इन क्लास सेवन्थ। ये सिर्फ एक ही कंपोनेंट लिया है सेल्फ मैनेजमेंट का, तो सेल्फ मैनेजमेंट का जो इशू है क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर क्लास सेवन के, उसको ठीक करना, उस इशू को रिजॉल्व करना, उसके ऊपर ओवरकम करना। तो ये इस तरह के वर्डिंग्स लिखकर आप अपना रिसर्च टॉपिक बना सकते हैं, बाकी तो आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करेंगे, तो वो जिस अंदाज में आपको कहता है आप रिसर्च टॉपिक बनाएं। अब आते हैं हम, जैसे कि आप लोगों से कहा था कि थोड़ा मैनुअल के अंदर मैं आपको फॉर्म फिल करना भी बता दूंगा, तो ये है हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट मैनुअल बीएड का, ये फ्रंट पेज है। इसमें सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर हो गया जो भी सेमेस्टर है आपका, रीजन आप जिस रीजन ऑफिस में हैं या जिस रीजन से हैं वो, थीम आपने लिखना है। थीम हमारे इस जो सेमेस्टर है उसके लिए सबका सेम होगा, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स। फिर उसके बाद सब थीम, आप कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, आप दीगर उस पे काम कर रहे हैं, तो उन थीम में से आप थीम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उस थीम से आपने जो टॉपिक बनाए हैं वो टॉपिक यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके ज़रा कुछ पेजेस आगे चलते हैं, ये डिटेल लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई हैं, और इन्हीं डिटेल्स को पढ़ने के बाद मैंने जो क्लास वन लेक्चर बनाया है वीडियो, वो इन्हीं डिटेल्स के ऊपर बेस करती है, तो आप वो वीडियो देख के भी इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अब आते हैं ये
टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है। ये वर्कशॉप 3 दिन की वर्कशॉप होती है रिसर्च की, उसके थर्ड डे ये फिल करना ज़रूरी है। फिर आप फिल नहीं करते हैं, अक्सर स्टूडेंट पिछले साल भी यही मसला पेश आया कि उस वक्त स्टूडेंट्स ने फिल नहीं किया, अपने सुपरवाइज़र अपने कोऑर्डिनेटर से साइन नहीं लिया, फिर बाद में वो उन सबको ढूंढ के जाना, फिर घूमना फिरना बड़ा फिर अजाब बन जाता है। तो बेहतर ये है कि वर्कशॉप के तीसरे रोज़ अपना टॉपिक सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस करके फाइनल करके ये फॉर्म फिल करके रखें। इसमें पहले नेम है स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, प्रोग्राम आप B.Ed 1.5 है 2.5 है वो यहाँ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपका सुपरवाइज़र का नाम यहाँ पर आएगा, फिर थीम डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स आ गया, सब थीम आपका कम्युनिकेशन या दूसर जो भी है, फिर उसके बाद रिसर्च टॉपिक यहाँ पर आएगा जिस पे आप ये रिसर्च करना चाहते हैं, और फिर यहाँ से जो आपके वर्कशॉप का कोऑर्डिनेटर है उसका नाम और सिग्नेचर, फिर उसके बाद जो वर्कशॉप कराने वाले 2 रिसोर्स पर्सन हैं इस वक्त आपको लेक्चर्स दे रहे होंगे वर्कशॉप में, तो उनमें उन 2 रिसोर्स पर्सन का नाम और रिसोर्स पर्सन 1 का नाम और सिग्नेचर, रिसोर्स पर्सन 2 का नाम और सिग्नेचर करना है, और फिर यहाँ पर डेट ऑफ अप्रूवल लिखनी है। यहाँ तक ये वर्कशॉप में रिसर्च टॉपिक को फाइनल करके ये फॉर्म फिल करके रख लें, फिर इसके बाद आगे अपना रिसर्च को कंटिन्यू करें। उसके लिए मेरे बाकी 10 वीडियोस मैंने इस रिसर्च मैनुअल के ऊपर मैंने बनाए हुए हैं, हर क्वेश्चंस को अलग अलग डिस्कस किया है, तो आप एक दफ़ा उन वीडियो से गो थ्रू हो जाएंगे तो आप अंडरस्टैंड, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट को किस तरह कंटिन्यू करना है, किस तरह परफॉर्म करना है, तो जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एम है वो भी पूरा हो जाएगा, बेसिक के जो सॉफ्ट स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करने का। अगर एक भी बच्चे के अंदर ये जो स्किल्स डेवलप्ड होती हैं इस सेमेस्टर के अंदर, गो कि पाकिस्तान में बहुत सारे हज़ारों में B.Ed कर रहे हैं इस वक्त, अगर हर स्टूडेंट एक स्टूडेंट के अंदर भी कोई भी एक स्किल डेवलप करता है तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी। तो उम्मीद है आप तमाम के लिए मालूम मुफीद रही होंगी और आप की इस रिसर्च प्रोजेक्ट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आप इस रिसर्च मैनुअल के इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, एक्चुअल रिसर्च क्या है जानना चाहते हैं और ये रिसर्च किस तरह परफॉर्म होगा ये जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप रिसर्च कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट राइटिंग किस तरह करनी है, क्वेश्चन को किस तरह आंसर करना है वो जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।